अब आपको दिखाते हैं कैसे दरिंदों से राजधानी में कोर्ट के अंदर ही महिलाएं महफूज नहीं हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट की महिला वकील ने कोर्ट के ही एक वकील पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में शनिवार शाम एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। हिमाचल की रहने वाली एक महिला वकील ने साकेत कोर्ट के वकील पी के लाल पर रेप का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिमाचल की रहने वाली महिला वकील शनिवार शाम साकेत कोर्ट के चैंबर नंबर 247 में पीके लाल से मिलने गई। आरोपी वकील ने महिला वकील को किसी काम के सिलसिले में बुलाया था। इसके बाद आरोपी वकील पीके लाल ने पीड़ित महिला वकील के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। के साकेत कोर्ट में एक महिला वकील के साथ रेप की वारदात सामने आई। दरअसल ये पूरी घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, जहां हिमाचल की रहने वाली एक महिला वकील साकेत कोर्ट पहुंचती है। यहां पर वो साकेत कोर्ट के ही एक वकील जिनका नाम पी के लाल बताया जा रहा है, उनसे मिलने पहुंची थी। दरअसल अपनी शिकायत में महिला वकील ने बताया कि साकेत कोर्ट के चैंबर नंबर 247 में उनकी मुलाकात पी के लाल से हुई थी। पी के लाल ने उन्हें काम देने के सिलसिले में साकेत कोर्ट बुलाया था। हालांकि अपनी शिकायत में पीड़ित महिला वकील ने यह भी कहा कि पी के लाल ने पहले उन्हें कुछ पीने के लिए दिया, जिसको पीने के बाद पीड़ित महिला वकील जो है वो अनकॉन्शियस हो गई और इसी का फायदा उठाकर साकेत कोर्ट के ही वकील पी के लाल ने पीड़ित महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत साकेत पुलिस स्टेशन में दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पीड़ित महिला वकील का मेडिकल कराया। मेडिकल में भी रेप की पुष्टि हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो आरोपी वकील है इस मामले में पी के लाल, उनको गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला वकील ने अपनी आपबीती दिल्ली पुलिस के सामने की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पीड़ित महिला वकील का मेडिकल करवाया। मेडिकल में रेप की पुष्टि होने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी वकील पी के लाल के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल अब दिल्ली पुलिस पीड़ित महिला वकील का 164 के तहत बयान दर्ज करवा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस अब पीड़ित महिला वकील का साकेत कोर्ट के ही अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान है वो भी दर्ज कराकर जांच शुरू कर रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।